हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम्स कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आपके साथ फेस्टिव एंड ऑफिस वेयर कुर्ती एंड कुर्ती सेट शेयर करने वाली हूँ। और इनमें से मोस्टली कुर्ती सेट है कॉटन रेयन एंड सिल्क फैब्रिक में, जैसे कि मसलिन सिल्क, कॉटन सिल्क, इस तरह के फैब्रिक। तो इन्हें आप चाहे आप कॉलेज में पहन के जाइए, ऑफिस में या फिर फेस्टिवल में, आप इन्हें पूरे दिन आराम से पहन सकते हो। एंड क्योंकि सारे कुर्ती सेट्स ऑफिस एंड फेस्टिवल वेयर हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कलर्स, पैटर्न्स एंड प्राइस होने वाले हैं। जैसे मोस्टली कुर्ती सेट काफ़ी अफोर्डेबल हैं। एक दो कुर्ती सेट है क्योंकि वो फेस्टिवल वेयर है तो वो थोड़े प्राइस रेंज में है, बाकी सभी आप इजिली बाय कर सकते हो। और ये पूरी कलेक्शन है फैशोर ब्रांड से और ये उनके बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है, तो क्वालिटी टॉप नॉच होने वाली है, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद आता है, आप इन्हें बाय करना चाहते हो, तो इन सभी के डायरेक्ट परचेजिंग लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं आपके लिए कूपन कोड लेके आई हूँ कुसुम15, जिसे ऑर्डर करते वक्त अगर आप यूज करते हो तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरह के मौके बार बार नहीं आते हैं, इस मौके को गवाइएगा मत। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pink.brownie। और अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कुर्ती सेट के बारे में जो इस वक्त मैंने पहन रखा है। ये आज की कलेक्शन का कुर्ती सेट है, ये कॉटन फैब्रिक में है, काफी सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक है, जिससे आप पूरे दिन चाहे आप कॉलेज में पहने, किसी फेस्टिवल में पहने, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे कलर्स इसमें यूज किए गए हैं और ये फ्लोरल प्रिंट में है, तो ये काफी सुंदर लगने वाला है। एंड ये स्ट्रेट फिट 3-पीस कुर्ती सेट है। कुर्ती तो आप देख रहे हो मैंने पहन रखी है, यहाँ पर कुछ इस तरह का सीक्वेंस एंड थ्रेड का वर्क किया गया है, बहुत ही प्यारा सा वर्क है एंड काफी सटल है। और इसमें 3/4 स्लीव्स दी गई है, स्लीव्स के एंड में ना क्रोशेट की लेस है, बाकी पूरी कुर्ती में फ्रंट बैक स्लीव्स हर जगह पर आपको इस तरह का कलरफुल फ्लोरल प्रिंट देखने को मिलेगा। और ये एक स्ट्रेट फिट काफ लेंथ की कुर्ती है। और अब मैं आपको इसका ना बॉटम दिखाती हूँ। ये पैंट स्टाइल का ट्राउजर है, इसमें पार्शियली इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड है और कुछ इस तरह का पैटर्न इस पूरे ट्राउजर में दिया गया है। ये देखिए नीचे से कुछ इतना वाइड है, मुझे एकदम परफेक्टली ये आ गया था। और इसके वन साइड में आपको पॉकेट भी मिल जाएगी, ये देखिए, तो इसमें आप अपना मोबाइल आराम से कैरी कर सकते हो। तो ये था बॉटम। और ये है इसका फुल लेंथ एंड विड्थ का सुंदर सा दुपट्टा। इसका दुपट्टा मुझे काफ़ी पसंद आया, ये देखिए, इसमें भी कुछ इसी तरह का कलरफुल फ्लोरल पैटर्न दिया गया है एंड कॉर्नर्स पर कुछ इस तरह का प्रिंट है, फिनिशिंग अच्छे से की गई है। और विड्थ भी मैं आपको दिखा दूँ, इतनी विड्थ इसमें आपको मिल जाएगी। लेंथ तो इसकी इतनी है कि अगर आपकी हाइट 5'6" तक भी है तो भी आपको बिल्कुल भी छोटा नहीं रहेगा। और ये काफ़ी कंफर्टेबल है, सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक में है एंड अफोर्डेबल भी। आई थिंक आपको 1599 रुपीज़ के अराउंड मिल जाएगा, बाकी जो भी एग्जैक्ट प्राइस है सभी का आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा साथ साथ में, तो आप चेक कर लेना। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ती सेट की तरफ। और आई थिंक ये जो कुर्ती सेट है ना, ये ऑफिस के लिए तो एकदम परफेक्ट रहने वाला है, क्योंकि कुछ इस कलर कॉम्बिनेशन में पेजली पैटर्न का कॉलर स्टाइल का 100% कॉटन फैब्रिक में 2-पीस कुर्ती सेट है। तो ये है इसकी कुर्ती जो ए लाइन स्टाइल में है और इसमें इस तरह से कॉलर दिए गए हैं और सेंटर में हाँ वुडन बटन्स लगाए गए हैं, ये देखिए। बाकी पूरी कुर्ती में इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा और सेंटर में हल्का सा स्लिट है साइड में, क्योंकि ए लाइन है तो कोई स्लिट आपको नहीं मिलेगा। और ये लो एंड हाई काइंड ऑफ हेमलाइन के साथ कुर्ती है। तो ये था फ्रंट और ये है इसकी बैक, और ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसे आप आराम से पहन सकते हो किसी भी इनरवेयर के साथ। और ये है इसकी 3/4 स्लीव्स, कहीं पर भी कोई वर्क या फिर लेस का काम नहीं है, काफ़ी सिंपल सोबर सटल सा कुर्ती सेट है। और क्योंकि कॉटन फैब्रिक में, तो इसे पूरे दिन आप आराम से पहन पाओगे। और ये है इसका ट्राउज़र, नहीं प्लाजो है, स्ट्रेट फिट प्लाजो है, इसमें भी सेम पैटर्न है और ये भी कॉटन फैब्रिक में है। तो ये था कुछ इस तरह का काफ़ी कंफर्टेबल कुर्ती सेट, मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ती सेट की तरफ। तो चलिए अब मैं आपको एक पार्टी वेयर कुर्ती सेट भी दिखा देती हूँ। और ये 100% कॉटन फैब्रिक में ही है और ये 3-पीस स्ट्रेट फिट कुर्ती सेट है रेड कलर में। तो ये है इसकी कुर्ती और इसमें चाइनीज कॉलर दी गई है और योक के सेंटर में आपको कुछ इस तरह का वर्क मिल जाएगा, ये फॉल्स मिरर का एंड इस वाइट थ्रेड के साथ वर्क है। और इसमें इसने गोल्डन फॉइल प्रिंटिंग भी की गई है यहाँ पर, बाकी पूरी कुर्ती में भी इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स गोल्डन फॉइल प्रिंट के बनाए गए हैं, ये देखिए। तो ये है इसकी फ्रंट और ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, काफी कंफर्टेबल फैब्रिक है। बाकी बैक पैनल पर कुछ इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर्स का ही प्रिंट आपको देखने को मिलेगा। और ये है इसकी 3/4 स्लीव्स, स्लीव्स के एंड में भी कुछ इस तरह की फॉइल प्रिंटिंग की गई है और ये मुझे काफ लेंथ तक आई थी और सभी में मेरा साइज है एक्सल, क्योंकि फैशोर में मुझे एक्सल साइज परफेक्टली आ जाता है। और ये है इसका फ्लेयर्ड प्लाजो जो ऊपर से बिल्कुल प्लेन है लेकिन नीचे से ना
इसमें कुछ इस तरह की प्रिंटिंग की गई, ये अम्बी काइंड ऑफ पैटर्न इसमें बनाए गए हैं, ये देखिए, और फुल्ली इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है, और आई थिंक वन साइड में इसमें पॉकेट भी दी गई है, तो इसे आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और ये है इसका फुल लेंथ एंड विड्थ का दुपट्टा, दुपट्टे में भी इस तरह की ना फॉल प्रिंटिंग की गई है, और इसमें भी अम्बी पैटर्न है और छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए गए हैं। हाँ, ये फ्रंट से ही है, ये देखिए, वो फिनिशिंग अच्छे से की गई है और विड्थ काफ़ी सही दी गई है और लेंथ भी एकदम परफेक्ट है। तो इसे आप स्मॉल गेट टुगेदर में या फिर फेस्टिवल्स में पहन सकते हो, और अगर आप मैरिड हो और आपको फेस्टिवल के टाइम पर ऑफिस या फिर कॉलेज जाना पड़ जाता है तो वहाँ पर आप इसे पहन के जा सकते हो। और ये पहना हुआ काफ़ी सुंदर लग रहा था, काफ़ी कम्फर्टेबल है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ती सेट की तरफ। और अब जो कुर्ती सेट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये तो मुझे देखते ही पसंद आ गया था। एक तो ये 100% कॉटन फैब्रिक में है, ये सॉलिड पिंक कलर का टू पीस स्ट्रेट फिट कुर्ती सेट है, तो ये है कुछ इस तरह का। एंड क्योंकि सॉलिड कलर में है और उसके ऊपर ये जो मिनिमल सा सुंदर सा वर्क किया गया है, इसी वजह से आप इसे कई तरह से स्टाइल कर सकते हो, अलग अलग दुपट्टों के साथ, ज्वेलरी के साथ, एंड इन दोनों चीज़ों को ना आप अलग अलग बॉटम और कुर्ती के साथ भी स्टाइल कर सकते हो। तो इसको स्टाइल करने के तो अनेकों तरीके हैं, तो इस तरह के जो सॉलिड कलर के पीसेज हैं आपके वार्डरोब में ज़रूर होने चाहिए, काफ़ी काम आते हैं। तो और ऊपर से ये 100% कॉटन फैब्रिक में है एंड सुंदर से पिंक कलर में, तो ये तो मुझे बाय करना ही था। सो ये है इसकी वी नेक लाइन, और नेकलाइन के चारों तरफ आपको कुछ इस तरह से ना गोल्डन एंड सिल्वर कलर का वर्क मिल जाएगा। ये पूरा जरी का वर्क है, ये यहाँ तक है, बाकी नीचे से कुर्ती बिल्कुल प्लेन है और ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आप इसे आराम से पहन सकते हो। एंड ये है इसकी बैक, बैक में भी कोई वर्क नहीं है, और ये है इसकी थ्री क्वार्टर स्लीव्स, और स्लीव्स के एंड में भी ये सेम वर्क किया गया है, ये देखिए, और ये मुझे काफ लेंथ तक की आ रही थी, और ये भी एक्सल साइज में है। और इसके साथ ये सॉलिड पिंक कलर की ही बॉटम है, ये ट्राउजर है और इसमें पार्शियली इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड है, और ये भी मुझे आराम से आ गई थी। सो ये था कुछ इस तरह का कुर्ती सेट। इसे आई थिंक मैंने दो अलग अलग तरह के दुपट्टों के साथ वेयर किया था जितना मुझे याद है, और मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है, आप इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा, काफी कंफर्टेबल है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ती सेट की तरफ। और नेक्स्ट कुर्ती सेट का भी कलर कॉम्बिनेशन एंड पैटर्न ना मुझे इतना पसंद आया था, उसी की वजह से मैंने बाय किया था, और ये 100% कॉटन फैब्रिक में है। तो ये है कुछ इस तरह का टू पीस कुर्ती सेट, और इसमें ना आपको ए लाइन कुर्ती मिलेगी, इस तरह से पैनल दिए गए हैं और यहाँ पर प्लीट्स बनाई गई है जिससे इसमें हल्का फुल्का फ्लेयर आ रहा है। बाकी ये है कुछ इस तरह के फ्लोरल पैटर्न में कुर्ती सेट, और ये है नेक लाइन, ये देखिए, इस तरह की नेकलाइन ना मुझे बहुत सुंदर लगती है, और यहाँ पर भी ना आपको सीक्वेंस एंड जरी का वर्क मिल जाएगा, ये देखिए, जो बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर है प्लीट्स, बाकी पूरे फ्रंट में और बैक में आपको ये इस तरह का फ्लोरल पैटर्न देखने को मिलेगा, बाकी कोई वर्क नीचे की तरफ नहीं है। और ये है इसकी थ्री क्वार्टर स्लीव्स, स्लीव्स में भी यहाँ पर टेम्पल लेस लगाई गई है, एंड काफ़ी सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक इसमें यूज़ किया गया है, सच में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ पहन भी रखा, इतना लाइट वेट है। और ये है इसका बॉटम, ये ट्राउज़र है और इसमें पार्शियली इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड दी गई है, और इसका जो ये पैटर्न है ना कलरफुल, ये मुझे बहुत पसंद आया, और कुछ इतने वाइड लेग का ट्राउज़र है, ये मुझे आराम से आ गया था। सो ये था कुछ इस तरह का कुर्ती सेट, मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। एक तो ये लाइलक कलर का कुर्ती सेट है, ऊपर से इसमें ये जो कलरफुल फ्लोरल प्रिंट किया गया है वो इस तरह के सीजन में बहुत सुंदर लगता है, और ये काफ़ी लाइट वेट कॉटन फैब्रिक में है, तो इसे आप पूरे दिन ना आराम से पहन पाओगे, तो इसलिए मैं इसे हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप इसे डेफिनेटली ट्राई करके देखिएगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ती सेट की तरफ। सो नेक्स्ट मैं आपको कुर्ती सेट की कुर्ती दिखाने वाली हूँ, ये ब्यूटीफुल ग्रीन कलर की प्रिंटेड आलिया कट में रेयन फैब्रिक की कुर्ती है, तो इसे भी आप पूरे दिन आराम से पहन सकते हो, किसी फेस्टिवल में, कॉलेज में, ऑफिस में बिंदास पहन के जा सकते हो, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने वाली है। सो ये कुछ इस तरह के फ्लोरल पैटर्न की कुर्ती है, और ये है इसकी नेक लाइन, और नेक लाइन पर ना इस तरह से फॉल्स मिरर की लेस लगाई गई है यहाँ पर और यहाँ पर भी, और यहाँ पर सेंटर में ना फैब्रिक अटैच किया ताकि ये जो नेकलाइन है ज़्यादा डीप ना हो और इसे आप आराम से पहन पाओगे। तो लेस की वजह से ना ये कुर्ती बहुत सुंदर लग रही है, लुक एट दिस। और एम्पायर लाइन से प्लेट स्टार्ट हो जाती है फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ, इसलिए इसमें इतना प्यार सा फ्लेयर आ रहा है, काफ़ी अच्छा फ्लेयर है, और ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसे आप आराम से पहन सकते हो। और बैग्स भी सेम फ्लोरल प्रिंट आपको देखने को मिलेगा, और हाँ, यहाँ पर ना डोरी के साथ कुछ इस तरह से ना सिल्वर कलर के मोती और टैसल्स भी लगाई गई हैं, और ये है इसकी थ्री क्वार्टर स्लीव्स, स्लीव्स कैन में भी सेम लेस लगाई गई है,
ये देखिए, और ये मुझे काफ़ी लेंथ तक की आ रही थी। इससे आप इससे मैच करता हुआ कोई भी बॉटम इसके साथ पहन सकते हो, चाहे वो फ्लेयर शरारा हो, प्लाजो, यानी शरारा तो अच्छा नहीं लगेगा, हाँ आप ट्राउजर पहन सकते हो वो काफ़ी अच्छा लगेगा, या फिर स्ट्रेट फिट प्लाजो। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और ब्यूटिफुल कुर्ती की तरफ। इसका तो स्पेशली ये जो पैटर्न है ना, इसे क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मुझे इतना पसंद आता है हमेशा ही, तो इसलिए मैंने बाय की थी। ऊपर से ये आई थिंक रेयन या फिर कॉटन ब्लेंड फैब्रिक में है, काफ़ी लाइट वेट फैब्रिक है, तो बहुत कंफर्टेबल रहने वाली, इसे भी आप पूरे दिन आराम से पहन सकते हो। और ये इसकी राउंड नेक लाइन, और आई थिंक इसमें ना वर्क किया गया है, कांथा वर्क होता है ना शायद, वो किया गया है पूरी कुर्ती में। और इस तरह से ना ये गाय बना रखी है, अलग अलग तरह का प्रिंट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ये देखिए इतना सुंदर लगता है ना ये प्रिंट। और ये स्ट्रेट फिट काफ लेंथ की कुर्ती है, और अंदर की तरफ आपको ये लाइनिंग भी मिल जाएगी सेम कॉटन फैब्रिक में, ये देखिए, तो ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी। और ये है इसकी थ्री क्वार्टर स्लीव्स, स्लीव्स में भी सेम प्रिंट है। और ये है इसकी बैक, ये जो कांथा वर्क है सिर्फ फ्रंट में है, बैक में नहीं है, बैक में बाकी सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ट्रेडिशनल प्रिंट और वर्क पहनने पसंद है तो इसे आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसका फैब्रिक, इस पर जो वर्क किया गया है, इसका पैटर्न बहुत सुंदर लग रहे थे। इससे आप ऑफ वाइट बेज या फिर ब्लैक कलर के बॉटम के साथ पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगने वाली है। मुझे हल्की सी ना कहीं कहीं से लूज लग रही थी, बाकी कहीं से भी चुभेगी नहीं आपको, तो आप इसे आराम से पहन सकते हो। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ती सेट की तरफ। सो ये है थ्री पीस कुर्ती सेट 100% कॉटन फैब्रिक में अगेन, तो इसे भी आप पूरे दिन आराम से पहन सकते हो। ये कॉलेज, ऑफिस एंड स्मॉल गेट टुगेदर के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये है बेज एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में। तो ये है इसकी स्ट्रेट फिट कुर्ती, और ये भी काफ़ी सॉफ्ट हल्का फुल्का फैब्रिक है। और ये है इसकी नेक लाइन, राउंड नेक लाइन है, और इस तरह से ना अंगरखा पैटर्न इसमें दिया गया है, और यहाँ पर कुछ इस तरह की ना फॉल्स मिरर की लेस लगाई गई है, और इसी वजह से ये मुझे इतना सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छी फिटिंग आई थी इसकी। और इसमें ना इस तरह से दो अलग अलग पैटर्न दिए गए हैं साइड में, इस तरफ ये है, ये देखिए, बाकी इसमें कोई वर्क नहीं दिया गया है, सिर्फ ये जो डिज़ाइनिंग है इसमें की गई है, और उसी की वजह से ये इतना सुंदर भी लग रहा था। बैक में कुछ इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, और ये है इसकी थ्री क्वार्टर स्लीव्स, स्लीव्स में हाँ क्रोशेट की ब्लैक कलर की लेस लगाई गई है। सो ये है इसका सॉलिड ब्लैक कलर का ट्राउज़र, ये फिटेड ट्राउज़र है, तो ये मुझे हल्का फुल्का टाइट आया था। वैसे भी कॉटन फैब्रिक में है, तो इसे मैं एक्सचेंज करवा के एक साइज बड़ा बाय करूंगी, ताकि ये मुझे वॉश करने के बाद भी आराम से आ सके। और इसमें पार्शियली इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड दी गई है, सेंटर में ड्रॉ स्ट्रिंग है अगर आपको टाइट करना है तो, बाकी नीचे से ये कुछ इतने वाइड लेग है, प्रॉपर फिटेड ट्राउजर है ये, एंड ये सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक में है, तो इसे भी पहनने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये है इसका अगेन कॉटन फैब्रिक का फुल लेंथ एंड विड्थ के साथ दुपट्टा, दुपट्टे के सेंटर में कुछ इस तरह का पैटर्न है, एंड कॉर्नर पर कुछ इस तरह का बॉर्डर दिया गया है, और कॉर्नर से है कुछ इस तरह का, फिनिशिंग अच्छे से की गई है, और इतनी विड्थ है, ये देखिए, देख रहे हो। तो अगर आपकी हाइट 5'6" तक भी है तो ये आपको छोटा नहीं रहने वाला है। और एक्सचेंज भी सिर्फ मैं इसलिए करवा, क्योंकि इसकी बॉटम मुझे हल्की सी टाइट लगी है, कुर्ती एकदम परफेक्ट फिटिंग की थी, क्योंकि अगर बॉटम टाइट होती तो वो मुझसे पहनी नहीं जाती है, तो फिर फ़ायदा क्या है ना। बाकी ये इतना कंफर्टेबल सॉफ्ट फैब्रिक है इसका, तो आप पूरे दिन इसे मस्त तरीके से पहन सकते हो, तो इसीलिए मैं इसे हाईली रिकमेंड करती हूँ। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक पार्टी वेयर कुर्ती सेट की तरफ। सो ये है ब्यूटिफुल पर्पल कलर का टू पीस ए लाइन कुर्ती सेट, और ये कॉटन सिल्क फैब्रिक में है, तो इसीलिए इसके फैब्रिक में ना इतनी प्यारी सी शीन आ रही है, आप देख रहे हो। तो ये एकदम परफेक्ट पार्टी वेयर कुर्ती सेट है, इसे आप स्मॉल गेट टुगेदर में चाहो तो किसी शादी के फंक्शन में भी पहन सकते हो, फेस्टिवल में पहन सकते हो, काफ़ी सुंदर लगने वाला है। एंड इस पूरी कुर्ती में ना आपको वीविंग वर्क मिल जाएगा, छोटी छोटी ये सर्कल बनाए गए हैं, और नेक लाइन तो कुछ इस तरह की कि आपको अलग से नेकलेस पहनने की भी जरूरत नहीं करेगी, नेकलेस का काम ये नेक लाइन ही कर देगी, क्योंकि इसमें इतना सुंदर सा ये जो वर्क किया गया ना, ये देख रहे हो आप कितना सुंदर वर्क है, और ये पीछे तक जा रहा है इस तरह से। एंड क्योंकि छोटी सी नेक लाइन है, तो पीछे की तरफ ना ये लूप के साथ बटन दिया गया था, जिसे ओपन करके आप इसे आराम से पहन पाओ। तो ये है कुछ इस तरह की ए लाइन कुर्ती, और इसमें ना ये पैनल बनाए गए हैं, तो इसी वजह से इसमें इतना फ्लेयर है, ज़्यादा नहीं है, इसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। और बैक से भी कुछ इसी तरह की है, इसमें कोई लाइनिंग नहीं है, तो अगर लाइनिंग होती ना तो ये जो वर्क है, क्योंकि वीविंग वर्क है तो ये कभी कभी ज़रूर चुभेगा, तो वो नहीं चुभता, बस इस चीज़ की मुझे इसमें कमी लगी है, बाकी इतना सुंदर कुर्ती सेट है ना, मज़ा आ गया था मुझे पहनने के बाद। वैसे तो इसके साथ कोई दुपट्टे की नीड है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है विदाउट दुपट्टा, आप नहीं पहनते किसी कुर्ती सेट को, तो इसके साथ ना आपके पास कोई भी गोल्डन कलर का दुपट्टा है वो कैरी कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था, आप ट्रेंड में देख पाओगे।
तो उस तरह से आप इसे स्टाइल कर सकते हो, गोल्डन कलर की झुमकी या फिर कोई भी स्टेटमेंट इयरिंग के साथ, साथ में जूती पहन सकते हो, कोई भी गोल्डन कलर की हील्स पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगने वाला है सच में। इसे ना जो हल्की हल्की विंटर आती है ना उस वक्त पहनोगे तो ना तो आपको ठंड लगेगी और ये आप आराम से पहन पाओगे। इसके नीचे आप स्लीव पहन सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा और ये चुभेगा भी नहीं। और ये है इसकी थ्री क्वार्टर स्लीव्स, स्लीव्स के एंड में कुछ इस तरह की लेस लगाई गई है। और इसके साथ दिया गया है ये ट्राउज़र, ये भी पैंट स्टाइल का ट्राउज़र है और इसमें पार्शियली इलास्टिकेटेड वेस्ट पैंट दी गई है। नीचे से कुछ इतना वाइड लेग का ट्राउज़र है और कहीं कोई वर्क नहीं है। तो ये था कंप्लीट कुर्ती सेट। और अब बढ़ते हैं लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट कुर्ती सेट की तरफ, वो भी सेम कलर में है एंड मसलिन सिल्क फैब्रिक का टू पीस कुर्ती सेट है। इसमें आपको एक और कलर मिल जाएगा, मैं वो बाय करना चाहती थी लेकिन उसमें मेरा साइज था नहीं, इसमें भी काफ़ी कम पीसेज रह गए हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो सोचने में देरी मत कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है, इसलिए इसके जो साइज हैं इतनी जल्दी सोल्ड आउट हो रहे हैं। सो ये है इसकी ए लाइन कुर्ती और ये मसलिन सिल्क फैब्रिक में, इसमें कोई लाइनिंग नहीं है लेकिन हाँ ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। और ये है इसकी नेकलाइन, अगेन सेम नेकलाइन है और इसमें ये जरी का वर्क किया गया है दोनों तरफ। और इस वर्क के नीचे ना यहाँ पर इस तरह से प्लीट्स बनाई गई है, बस यहाँ तक है और इसी वजह से इसमें इतना प्यारा सा फ्लेयर आ रहा है। और हाँ साथ में ये पैनल भी बनाए गए हैं, इस वजह से भी इसमें इतना फ्लेयर है। डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग इसका जो फ्लेयर है एकदम परफेक्ट है। और पीछे से बिल्कुल प्लेन है। और ये है इसकी थ्री क्वार्टर स्लीव्स, स्लीव्स के एंड में भी सेम वर्क किया गया है, ये देखिए। बाकी और कोई वर्क इसमें नहीं है। और ये जो कुर्ती है मुझे काफ़ी लेंथ तक की आई थी, इसमें मेरा साइज एक्सेल है। और ये है इसका स्ट्रेट प्लाजो, ये काफ़ी कंफर्टेबल था, बिल्कुल भी टाइट नहीं था। और इसमें फुल्ली इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है नीचे से, ये देखिए कुछ इतने वाइड लेग का है, कहीं कोई वर्क नहीं है इसमें। क्योंकि सॉलिड कलर में है तो इसे आप किसी और कुर्ती के साथ भी टीमअप कर सकते हो, तो ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। वैसे भी ये कलर बहुत सुंदर लगता है और इसमें इतनी प्यारी शीन आ रही है ना, उसकी वजह से ये बहुत प्रीमियम एंड रिच लुक का लगता है। और हाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि जब मैंने इसे पहना ना तो ये मुझे कहीं कहीं से चुभ रहा था, हालांकि ये मसलिन सिल्क फैब्रिक में है तो चुभना तो नहीं चाहिए था लेकिन चुभ रहा था। तो ये मुझे हल्की सी कमी इसमें लगी है, बाकी ये पहना हुआ इतना क्लासी एंड प्रीमियम लुक देता है। तो मैं इसे वापस करने की जगह इसके साथ सेम कलर में ही स्लिप पहनूंगी कॉटन फैब्रिक में, ताकि मुझे चुभ भी ना, और क्योंकि ए लाइन में तो वो नज़र भी नहीं आने वाली है। तो आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि इसका कलर, इस पर जो मिनिमल सा वर्क किया गया था एंड जिस तरह इसका डिजाइनिंग थी बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैं तो इसे हाईली रिकमेंड करती हूँ। और ये थी आज की पूरी कलेक्शन, ये आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इन्हें और भी कम प्राइस पर बाय करना चाहते हो तो कुसुम 15 कूपन कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा आपकी बार, क्योंकि इससे आपको इंस्टेंटली 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो फिर मिलते हैं मैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।